तकलीफ हुई ना छोरा, तो कह रहा है कि मारा दर्द समझो, मारी पीड़ा समझो, मारी मजबूरी समझो, पर मैं कह रही हूं छोरा, क्या तूने संध्या बिन्नी की मजबूरी को समझा था? उसके फैसले को जाना था, बोल जो आज जिस सारे के सारे थारे को अपराधी समझ रहे, थारे एक फैसले पर थारे को सवाल के कटघरों में खड़ा कर दिया थारे अपने परिवार ने, कल इसी कटघरे में तूने और जिस सब परिवार ने संध्या बिन्नी को खड़ा कर दिया था, और वो थारे कान उम्मीद से देख रही थी कि कम से कम उसका जीवन साथी तो उसे समझेगा। समझा था सूरज? संतोष तू क्या बात कर रही है, कटे की बात कटे लगा रही, अब यहाँ संध्या बिन्नी कटे से आ गई। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ सूरज के मामा साहब, रोए बिना तो टाबर की भूख को माँ को बिना पता चले, फिर मारो जे मूर्ख छोरो, मारी लक्ष्मी जैसे संध्या बिन्नी ने कहीं समझ पावे को। उस दिन संध्या बिन्नी ने अपना फर्ज निभाया, पर मारो जी श्रवण छोरो, उसने उसकी मां की जान को खतरे में डालने का आरोप लगाकर उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। आज तू भी तो अपनी मां की जान की कीमत के आगे इंसान होने का फर्ज निभाया। अपराध तो दोनों का ही एक है, बस फर्क सिर्फ इतना है, उस दिन संध्या बिन्नी ने एक अपराधी से पूरे देश की जान बचाई, और आज इसने कृष्णकांत से अनजान लोगों की जान बचाई। बस इतना सो ही फर्क है। तू संध्या बिन्नी से सवाल पूछ रहा था ना छोड़ा, कि उसने वो बटन क्यों दबाया, चुपचाप हवाई जहाज में जाकर क्यों ना बैठ गई? क्योंकि छोरा संध्या बिन्नी भी जानती थी कि अगर भी दिन राजकुमार ने छोड़ दिया ना, तो न जाने वो कितने निर्दोष के खून के साथ खेलेगा, इसीलिए वो ना चाहती थी, वो किसी कीमत पर भी राजकुमार ने छोड़ना ना चाहती थी छोरा। कोख से जन्म दिया है छोरा, इसलिए थारे कुमारी इतनी चिंता है, पर छोरा वो तो पराई होकर के भी उसने मारी और पूरे परिवार की चिंता रह गई। थारे प्रेम और उसके प्रेम में मारे को कदई फर्क महसूस ना हो, थारे को बड़ी पीड़ा हुई ना जब मैंने थारे को कहा कि तू मारा बेटा ना हो सके, जरा सोच छोरा, सोच जब तूने कहा होगा उससे कि अगर मारी भाभों की जगह थारी मां होती
तो क्या तू उसके साथ ऐसे करती? सोच ना छोरा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। तू ना समझ सकेगा छोरा कितनी ठेस पहुंची होगी उसे। आज तूने जो किया वो बिल्कुल सही किया छोरा। इंसानियत होने के नाते तुझे यही करना चाहिए था। फिर बता मारे को, संध्या पीने का फैसला गलत किया हो सके। बता, उसने भी तो अपना फर्ज, अपना धर्म निभाया। एक पुलिस अफसरनी होने के नाते उसने भी वही किया जो उसे करना चाहिए था। सुरक्षित हवाई जहाज में बिठाया, उसके बाद राजकुमार से निर्दोषों की जान बचाने के वास्ते उसने जो बटन दबाया, फिर उसकी गलती कट्ठे से होगी। गलती तो थारी थी चुना, थारे को संध्या बिरनी की चिंता सताई और तू उसके पीछे पीछे भाग्य। गलती मारी है, मैं थारे पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उसकी बहादुरी को सारा देश सलाम कर, पर उसके अपने घर में उसके अपने घर वालों ने उसे कह दिया, हाथ पकड़कर घर से बाहर। जब भी इस घर में किसी के साथ अन्याय हुए या कोई भी संकट आवे, सबसे पहले आकर खड़ी हो जावे वो। उस पर संकट आए, उसके साथ अन्याय हो रहा, जब उसके साथ कुछ खड़े हो तो सब एक तरफ हो गए, चीखती रही, पुकारती रही, किसी ने उसकी आवाज न सुनी। जैसे आज तुम्हारे प्रेम को सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन वो भी यही कोशिश कर रही थी, पर उसकी चीख, उसकी पुकार किसी ने न सुनी। तो ही समझा दे मारे को की गलती है संध्या बिरनी की क्या फिर हम सबकी। समझा अपने पापा ने, ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।